प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था BCCLE का, है ना, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट जो लोग डिप्लोमा कर चुके होते हैं, चाहे वो फार्मेसी में हो, पारा मेडिकल में हो या इंजीनियरिंग में हो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट करवाया गया था 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई को जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए, उसके बाद मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि 5 अगस्त तक, है ना, 5 अगस्त तक आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनली 5 अगस्त से पहले ही, यानी आज 3 अगस्त को ही रिज़ल्ट जो है इसका जारी कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना रिज़ल्ट जो है चेकआउट कर लिए होंगे। कई सारे लोग रिज़ल्ट चेक कर लिए होंगे, कई सारे लोग वैसे होंगे जो अभी तक रिज़ल्ट चेक नहीं किए होंगे। तो अगर आपने रिज़ल्ट नहीं चेक किया है तो फिर कैसे कर सकते हैं, वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे गूगल पे आपको जो है आना है, गूगल पे टाइप करना है BCC बोर्ड, तो आपका इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे आपको आना है। डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे रैंक कार्ड ऑफ BCCLE इंजीनियरिंग पारामेडिकल एंड फार्मेसी 2024 वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज खुल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है रोल नंबर डालने हैं। यहाँ पे क्या डालना है, रोल नंबर आपको डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद शो रैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये सारे डिटेल्स आप डालेंगे, आपके सामने रैंक का बोर्ड खुलकर आ जाएगा। क्या खुलकर आ जाएगा, रैंक का बोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो रैंक का जो बोर्ड खुलकर आएगा उसमें दिखेगा कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है और उस कोर्स के लिए आपका यूआर रैंक कितना दिया गया है। अगर BC कैटेगरी से हैं तो BC कैटेगरी में कितना रैंक दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो RCG कैटेगरी एक आएगा, RCG कैटेगरी में आपका कितना रैंक है। अगर आप गर्ल्स नहीं हैं, बॉयज़ हैं, तो यूआर रैंक और कैटेगरी रैंक, अगर कैटेगरी है आपका तो, अगर कैटेगरी नहीं है तो सिर्फ एक ही रैंक रहेगा, यूआर रैंक। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं और आपका EWS बना हुआ है और आपने अप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपना EWS का जिक्र किया है कि मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट है, तो आपका EWS का जो कैटेगरी के अंतर्गत है उसका भी रैंक आपको दिखाएगा। अब ये तमाम इंफॉर्मेशंस के बाद आपको फिर डिसाइड करना है कि आपका जो रैंक दिया गया है उस रैंक के बेसिस पे आप कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। तो उस रैंक के बेसिस पे ही आपको जो है कॉलेज अलाउट होगा और वो रैंक ही निर्धारित करेगा। कई सारे लोग जब रिज़ल्ट चेक करेंगे तो दिखाएगा कि भाई आप का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है ना, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम में आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किए हैं। इंग्लिश में कितना नंबर लाना होता है, तो इंग्लिश में नंबर लाना रहता है 35। 35 नंबर आप इंग्लिश में नहीं कैरी कर पाए हैं, मतलब 35 नंबर आप काट छाट के नहीं आपका आया है, 35 नंबर से कम आया है, इसलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, है ना, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो अब आगे क्या करना है। तो आपके पास
दो ऑप्शंस हैं। पहला कि जो प्लान ए है उसको मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, प्लान बी को मैं अनदर वीडियोस में डिस्कस करूंगा। जो प्लान ए है मेरे अनुसार, ये आपके सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो और क्या आप करना चाहते हो। तो मेरा जो प्लान ए है आपके लिए जो आप कर सकते हो वो है नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग, यानी अगले साल आप फिर से एग्ज़ाम दोगे, ये आप दिमाग में ठान लो। बट ये एक साल करेंगे क्या, क्या एक साल लैटरल एंट्री पे फोकस करें, लैटरल एंट्री का एग्ज़ाम देने के लिए फोकस करें, सिर्फ लैटरल एंट्री के बारे में पढ़ें? तो नहीं, आप अभी से, अभी आपका अगस्त है, अगस्त से फरवरी तक, अगस्त से फरवरी तक आप किसी भी इंस्टीट्यूट को या तो ज्वाइन कर लो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोर्सेज लेकर अपने ब्रांच पेपर को, आपका सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपने ब्रांच पेपर को और जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे जीके, जीएस, रीजनिंग, इन सब्जेक्ट को 6 महीने का आप कोर्स ले लो, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन आप उसका कोर्स ले लो। 5-6 हज़ार में आपको अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो लेने के बाद आप उसकी तैयारी में जुट जाओ और इस 6 महीने, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये जो 7 महीने हैं ना, आप बिल्कुल ही भूल जाओ कि आपका लैटरल एंट्री एग्ज़ाम हुआ था, आप एग्ज़ाम दिए थे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट एक साइड में लिखे रहो कि 2025 हमारा लैटरल एंट्री टारगेट है और अच्छे रैंक के साथ हम पास करेंगे, 2025 में लैटरल एंट्री का एग्ज़ाम देंगे। वो एक बोर्ड चिपका लो या पेपर चिपका लो और वो जहाँ पे तुम पढ़ते हो वहाँ पे उस चीज़ को चिपका दो, है ना, और अपनी तैयारी लगे रहो। अपने ब्रांच पेपर को इतना मजबूत कर लो कि नेक्स्ट जब 6 महीने बाद आपसे कोई पूछे कि आपका पेपर कैसा है, क्या आपको अपने सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है, तो आपके जुबान पे रहना चाहिए बिल्कुल हाँ, मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप कोई भी कंपटीटिव एग्जामिनेशंस में भी बैठोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहेगा, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। प्लस अगर आपको बीटेक करने का इंटरेस्ट फिर भी रहा 6 महीने लगातार बिना, मतलब भूल कर, मतलब लैटरल एंट्री को भूल कर पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको याद रहा कि नहीं मुझे बीटेक करना है, लैटरल एंट्री से करना है, देन आप 6 महीने बाद 3 महीना फोकस करो लैटरल एंट्री पे, 2 महीना लगातार सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और 1 महीना मैथ्स, मैकेनिक्स और इंग्लिश तीनों पे, 2 महीना सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं, भूल जाओ कि क्या होता है मैथ्स मैकेनिक्स, बस एवरी संडे जो 6 महीने का आपने टाइम ट्रेवल किया है, है ना, जो 6 महीने आपने टाइम ट्रेवल किया, अपने ब्रांच पेपर को फोकस किया, नॉन टेक्निकल पेपर को फोकस किया 6 महीने, उसको एवरी संडे सिर्फ रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत खोल के देखना है, बाकी टाइम आपको लैटरल एंट्री में इंग्लिश पे फोकस करना है। और इंग्लिश जैसे ही आपको लगे कि कंप्लीट हो गया है तो मैथ्स और मैकेनिक्स पे फोकस करिए, लेकिन वीक में दो से तीन दिन और 2-4 आवर्स आपको फोकस करना है इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश जो है
सिर्फ आपको लैटरल एंट्री में ही नहीं, गेट का भी अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी मेट्रो जेई का एग्ज़ाम दोगे तो भी इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, या ग्रेजुएट लेवल पे अगर एसएससी का कोई फॉर्म भरते हो जेई को छोड़कर सीजीएल वगैरह, तो उसमें भी इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्लान ये क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब प्लान ए को आपको फॉलो करना है कि नहीं फॉलो करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके निश्चय के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। ओके, थैंक यू।